और इसी बीच रुक करते हैं राजधानी रायपुर की ओर, जो आज से बड़ी खबर है। आपको बता दें, कोयला घोटाला मामले में बड़ी खबर है। 12 आरोपियों को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया है। जी हां, 18 जुलाई तक सभी आरोपियों को भेजा गया जेल। 18 तारीख को किया जा सकता है चालान पेश। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, 12 आरोपियों की एसीबी कोर्ट में पेशी है। कोयला घोटाला मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य आरोपी में से एक समीर बसनोई की भी पेशी रखी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, कोयला घोटाला मामले में बड़ी खबर है, जहां 12 आरोपियों की एसीबी कोर्ट में पेशी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेश गर्ग लाइव जुड़ चुके हैं राजधानी रायपुर से। नितेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कोयला घोटाला मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, 12 आरोपियों की एसीबी कोर्ट में पेशी है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए महिमा, 12 लोगों को यहाँ पर पेश किया गया। 500 करोड़ से अधिक के घोटाला मामले पे कई आरोपियों को जेल में भेजा गया है। जेल में है वो, रिमांड में है, और 12 लोगों को पेशी का चालान भेजा गया था। वो पहुँचे, सभी ने पेशी दी, और अगली तारीख 18 जुलाई की दे दी गई है। 18 तारीख को बहुत बड़ा घटनाक्रम होने वाला है कोयला घोटाले मामले में, क्योंकि चालान पेश किया जाएगा। जो भी होगा उस दिन की बात बताएंगे, लेकिन आज IAS निलंबित रानू साहू और इसके साथ दूसरा नाम है IAS समीर बिश्नोई का। निलंबित IAS समीर बिश्नोई भी इस पेशी में पहुंचे थे, और उनके साथ तमाम अन्य 11 लोग पहुंचे थे। सूर्यकांत तिवारी और रानू साहू इस पेशी में नहीं आए। तो आज पेशियों का दौर जारी है, लगातार विस्तार न्यूज जानकारी दे रहा है। लेकिन एक बार फिर से रिमांड डेट बढ़ा दी गई है, 18 तारीख तक फिर से इन सभी को सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। 2 तारीख को 3 नई FIR दर्ज हुई थी, जिसमें से समीर बिश्नोई का भी नाम है कि एक 90 लाख की सैलरी का पर्सन लगभग 5 करोड़ की जो है अचल संपत्ति कैसे खरीदता है, तो वो नई FIR भी मुद्दा बन गई है। रानू साहू का जो है, जो सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी, वो ACB में बेल ना मिलने पर ACB कोर्ट से वो राहत खत्म हो गई है, और इस तरह से अड़चने बढ़ती जा रही हैं कोयला घोटाले मामले।